बीजेपी में आई अंतर्कलह की खबरों से उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में हलचल जोरों पर है, जिसके बाद से विपक्षी दल लगातार भाजपा पर हमलावर है और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में अब एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। और फाइल अभी मुझे लोग देखे गए हैं, अगर फाइल का पढ़ने तो न जाने कितना भ्रष्टाचार दिखाई देगा। केवल एक विभाग का 10 साल रह करके इन्होंने हर व्यवस्था को खराब किया है। ये कुछ लोग मोहरा बन गए हैं, वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सुर्खियों में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी की यूपी यूनिट है। उत्तर प्रदेश की सियासी उठापटक पर विपक्षी दलों के नेताओं ने भी चुटकी लेना शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ी बात कह दी। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य मोहरा बन गए हैं, वो दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड बन गए हैं। कितनी कहानियां बताएं आपको, भरी पड़ी हैं। और फाइल अभी मुझे लोग देखे गए हैं, अगर फाइल का पढ़ने तो न जाने कितना भ्रष्टाचार दिखाई देगा। केवल एक विभाग का, और फिर ये ड्रोन वाला कोई कार्यक्रम चला रहे हैं बीजेपी वाले, ड्रोन उसी से देखेंगे, ऊपर से ही देखेंगे। बताओ, आप अस्पताल जाते हो, ड्रोन की जरूरत है आपको क्या अस्पताल में भीड़ देखने के लिए? लोहिया अस्पताल जाइए, आप सिविल हॉस्पिटल जाइए, पीजीआई आप जाइए, क्या आपको ड्रोन की जरूरत पड़ेगी भीड़ देखने के लिए? आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आपको जरूरत पड़ेगी ड्रोन की भीड़ के लिए देखने के लिए? तो 10 साल रह करके इन्होंने हर व्यवस्था को खराब किया है, हर व्यवस्था, हर विभाग बर्बाद कर दिया। ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, भले 13 मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए जिनको एनएमसी ने मान्यता नहीं दी। कहीं मान्यता मिली है 13 मेडिकल कॉलेजों की? और जो मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्थिति क्या है? कहीं इलाज नहीं मिल रहा गरीब को, एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर दवाई इलाज इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा है। वहीं अखिलेश यादव के इस बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी भाजपा को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने और अपमान करने की जगह सपा को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी, कमल खिला है, खिलेगा और खिलता रहेगा। बता दें कि यूपी में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई थी। बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान पर पार्टी ने मंथन किया था, जिसके बाद से बीजेपी की आंतरिक कलह चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।